बारिश के दिनों में हमारी एपीटाइट भी बढ़ जाती है और कुछ ना कुछ चटर पटर खाने का मन करता है। हाय गाइस, दिस इज़ रैच, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पटेटो रोल्स, जो कि बहुत ही इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, नहीं तो एज अ इवनिंग स्नैक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं स्टफिंग। सो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के बॉयल पटेटो लिए हैं, जिसे अब मैं मैश कर रही हूँ। इसे सिंपली मैंने प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया था, उसको ठंडा किया और उसको छील लिया है। तो यहाँ पर हो गए हमारे मैश पटेटो। इसमें डालेंगे अब ड्राई स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ऑफ अमचूर पाउडर एंड 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट या फिर एज़ पर योर टेस्ट, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसको हाथ से थोड़ा क्रश करके इस तरह से डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं तो कहूँगी हाथ से ही मिक्स करें, हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन आप किसी स्पून या फिर स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च, 1 या 2। इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो ये हो गई हमारी स्टफिंग रेडी। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस, ब्राउन या वाइट, जो भी ब्रेड आपको लेनी हो आप ले सकते हैं, और उसके साइड्स जो हैं हम काट देंगे। और ये जो साइड्स हम काट रहे हैं, इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसी वीडियो में हम इसकी एक और रेसिपी बनाएंगे। सो सारे ब्रेड्स के जो स्लाइसेस हैं इस तरह काट लें। और अब एक बोल में हमें पानी ले लेना है। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसमें इस तरह से हल्का हल्का पानी लगाएंगे। पानी हमें बहुत कम लगाना है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बीच में स्टफिंग। थोड़ा सा पानी साइड में लगा के इसको इस तरह सील कर देंगे और हाथ से दबा के इसका एक रोल बना लेंगे। कम पानी लगाने से हो सकता है कि थोड़े ड्राई रहें और इनका जो शेप है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर पानी ज़्यादा लगा देते हैं तो वो इतने क्रिस्पी नहीं बन पाते, तो ध्यान रखें पानी कम ही लगाएं। और अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगता है कि लगा दिया है आपने, ब्रेड गीली गीली हो गई है, तो उसे इसी तरह 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद डीप फ्राई करें। सो अब हम करेंगे इसे डीप फ्राई, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को अच्छे से गरम करने के बाद मीडियम फ्लेम पे रोल्स को फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद हम इसे टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को ठीक से गरम हो जाने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, लो या हाई नहीं। और यहाँ पे हो गए हमारे बढ़िया से क्रिस्पी रोल्स रेडी। इसी तरह हम बाकी के रोल्स भी फ्राई कर लेंगे। अब जो यहाँ पे ब्रेड साइड्स बचे हैं, इन्हें हम डालेंगे एक ब्लेंडिंग जार में और ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने बना लिया ब्रेड क्रम्स। अब जो हमारी बची हुई स्टफिंग है आलू की, हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये रही हमारी स्टफिंग, और मिक्स कर देंगे और एक डो बना लेंगे। अगर आपको लगे कि ये कम है क्रम्स, तो 1 या 2 ब्रेड का स्लाइस और इसी तरह ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दें, जिससे ये एक अच्छे डो फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। और अब हम इसका छोटा सा पार्ट लेके बॉल बना लेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं पटेटो बॉल्स। ये भी खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं, सो आप इस रेसिपी को भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। बट हाँ, ये ब्रेड पटेटो रोल से डिफरेंट टेस्ट करते हैं। ये थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, और जो ब्रेड रोल्स हमने बनाए हैं वो काफ़ी क्रिस्पी रहते हैं। बट ये काफ़ी इजी पटेटो रोल्स है, जैसे कि आपने देखा, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाला आपने आलू के मसाले में और इस तरह से डीप फ्राई कर दिया। सो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होंगी, दोनों ही रेसिपीज़। तो अगर पसंद आई हो तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई है। इस ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगी, और या फिर आप मेरी पुराने ग्रीन चटनी वाली रेसिपीज़ भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइज़, इसे सर्व करें ग्रीन चटनी और टमेटो केचप के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अनादर रेसिपी। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।